बहुजन समाज पार्टी की जिला कमेटी ने जिला कार्यालय पर बैठक कर की अहम मुद्दों पर चर्चा। जनपद औरैया में बहुजन समाज पार्टी की जिला कार्यालय औरैया में कानपुर मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर सेक्टर प्रभारी तक की सभी पदाधिकारियों ने बैठक कर प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को गाँव गाँव बूथ बूथ जाकर वोटरों को बसपा शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर भटके हुए वोटरों को समझाने का काम करें और जिले की सभी पदाधिकारियों से श्री संघ प्रिय गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल ने अहम मुद्दों पर चर्चा की और सभी पदाधिकारियों से मनमुटाव एवं एकजुट होकर चुनाव में सहयोग करने की अपील की। कुछ पदाधिकारियों ने बसपा प्रमुख से क्षेत्रीय उम्मीदवार को उतारने की अपील की और बाहरी प्रत्याशी को न उतारने की अपील की। आज की बैठक में प्रमुख रूप से शामिल हुए श्री गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, महेंद्र पाल द्वारे मुक्त सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, जगमोहन दोहरे सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, कमलेश गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष औरैया, विपिन त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष औरैया, चंद्रशेखर सोनी जिला महासचिव औरैया, रोहित दोहरे आदि लोग मौजूद रहे। विरुचि विमल पांडे सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम संगप्री गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, आज यहाँ पर औरैया में जो धर्मशाला में आज बैठक हुई है, वो क्या उद्देश्य थी? आज ये विधानसभा स्तरीय विधानसभा सदर औरैया सुरक्षित विधानसभा की विधानसभा स्तरीय बैठक थी, जिसमें हमारे विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारी संगठन की समीक्षा बैठक जिम्मेदारी उस पर चर्चा की, उसके साथ साथ संगठन और चुनाव के लिए तैयार। तो आपके यहाँ आपकी पार्टी जो उम्मीदवार तक दूसरा